न्यूज से चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। जी हाँ, पिछले हफ्ते साउथ कोरिया थे तो न्यूज हमारी जो फ्राइडे को जाती है वो नहीं जा सकी, इसीलिए सैटरडे को हमारे स्टूडियो से कर रहे हैं। आ गए हैं वापस 1 अप्रैल को। जी हाँ, वेरी हैप्पी अप्रैल फूल्स डे। अगर आपने किसी को अप्रैल फूल बनाया हुआ है तो जरूर नीचे कमेंट्स में बताइए किसको बनाया, कैसे बनाया, हम भी पढ़ेंगे, जरा मजे लेंगे, हंसेंगे हम भी। हम सोच रहे थे दोस्तों कि कुछ अप्रैल फूल वाला वीडियो बनाए, लेकिन मैं पिछले 8-10 दिन से बाहर ही था, उसकी वजह से नहीं कर सके। बट वी वर रियली रियली प्लानिंग समथिंग और वी आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। लेकिन एक चीज बहुत बड़ी हो गई है दोस्तों, IPL स्टार्ट हो गया और जियो सिनेमा ने रिकॉर्ड व्यूअरशिप जो है एंड डाउनलोड जो है वो विटनेस किए हुए। जी हाँ, CSK और GT का पहला मैच था, T20 मैच था, एंड कुछ 6 करोड़ यूनिक व्यूअर्स ने देखा। 6 करोड़, दैट्स अ बिग नंबर। इनफैक्ट बहुत देर तक जियो सिनेमा डाउन भी था बहुत सारे लोगों के लिए, लॉग इन ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतने सारे लोग थे। बट यस, IPL आ गया तो लोग देखना चालू हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे भी हो, अगर हॉटस्टार पे होता तो उधर डाउन हो जाता है, इधर अब जियो सिनेमा पे तो उधर डाउन हो गया। आपने वैसे देखा, आप इंटरेस्टेड हो IPL मैचेस में, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये टेक न्यूज अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिए। वैसे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कल, आज अप्रैल फुल डे है, लेकिन 2 अप्रैल क्या होता है पता है? फैक्ट चेकिंग डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों, सीरियसली, स्पेशली जब आप ऑनलाइन जाते हो इंटरनेट पे, इंफॉर्मेशन किधर से आती है, कैसी होती है, गलत होती है, सच होती है, स्कैम होती है, आपको पता नहीं होता है। और उसकी वजह से गूगल सर्च ने अब ये 2 अप्रैल को फैक्ट चेकिंग डे पे उनके सर्च रिजल्ट में जब भी आप कुछ सर्च करोगे तो वो जो सर्च रिजल्ट आएगा उसके बाजू को 3 डॉट्स आएंगे और उधर अबाउट दिस रिजल्ट, ये ऐसी चीज आएगी जो आपको एग्जैक्टली बताएगी कि जो इंफॉर्मेशन गूगल सर्च में दिख रही है कहां से दिख रही है, तो आप फैक्ट चेक कर पाओगे। सो यस, दैट इज गुड थिंग। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आजकल इतने स्कैम वगैरह होने लग गए, इवन गूगल रिजल्ट में ऐसे रिजल्ट आते हैं पूछेगा मत, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पैसे भी जाते हैं। तो फैक्ट चेक जरूर कीजिए जब भी आप कुछ भी चीजें सर्च करते हो गूगल सर्च में। वैसे दोस्तों, स्पैम स्कैम ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है, स्पैम मैसेजेस एंड कॉल जो है दोस्तों वो आते ही जा रहे हैं। मतलब मुझे लिटरली मेरे फोन के ऊपर दिन में समझिए 25 कॉल होंगे तो उसमें से 18 से 20 कॉल स्कैम होते हैं लिटरली। मतलब ट्रू कॉलर मुझे अच्छा नहीं लगता डेटा प्राइवेसी की वजह से, लेकिन मुझे डालना पड़ता है क्योंकि नहीं तो हमेशा मैं वीडियो कर रहा हूं बीच में कॉल आ जाता है, पता नहीं होता है कौन सा होता है, लेकिन वो बैंक का होता है या किसी लोन वाले का होता है या कुछ स्कैम का ही होता है। आई एम फेड अप ऑफ दिस। एंड द वर्स्ट पार्ट बताओ आपको, जी हाँ, मैंने DND पे रजिस्टर किया हुआ है, उसके बाद में भी इतने कॉल आ रहे हैं। सोचिए अगर DND नहीं होता तो क्या होता, TRA इसके बारे में क्या कर रहा है, आई रियली रियली डोंट नो। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कह रहे हैं, बट पता नहीं, आई रियली डोंट नो। वैसे दोस्तों, TRA ने टेलीकॉम कंपनी से कहा था, और टेलीकॉम कंपनी ने कहा था कि 1 अप्रैल से वगैरह वो करेंगे कुछ, बट और अभी एक्सटेंशन मांगा है, वो कह रहे हैं कि ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं हम स्पैम जो भी मैसेजेस या कॉल्स करते हैं उनको। This is sad, यार, this is really sad. In this day and age, हम वो नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं न्यू लॉन्चेस के बारे में, पहले स्मार्टफोन से भी ज्यादा लैपटॉप के बारे में बात करते हैं। डेल इंस्पिरॉन 14 एंड इंस्पिरॉन 14 2-in-1, ये उनके सबसे पॉपुलर सीरीज होते हैं इंस्पिरॉन के, वो हो गए हैं लॉन्च। इंटेल 13 जनरेशन प्रोसेसर पे एंड AMD 7000 सीरीज प्रोसेसर पे भी आए हुए हैं। और अगर प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो 65,000 से स्टार्ट होते हैं। डिस्प्ले वगैरह अच्छा है, टच डिस्प्ले, नॉन टच डिस्प्ले, ऐसे अलग अलग वेरियंट्स हैं, एंड ओवरऑल अच्छे हैं दोस्तों इंस्पिरॉन के, जैसे मैंने कहा बहुत पॉपुलर होते हैं एंड प्राइसिंग भी ठीक ठाक ही होती है। Redmi ने उनका Redmi Note 12 4G इंडिया में लॉन्च कर दिया है। Yes, 6.67 इंच FHD प्लस 120Hz AMOLED स्क्रीन वाला फोन है ये। Qualcomm Snapdragon 685 प्रोसेसर आता है, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, 50MP का कैमरा है, Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, अंडर 15,000। Yes, 14999 में आ रहा है, डिसेंट फॉर 6GB 64GB वेरिएंट। वैसे Redmi Note 12 के साथ Redmi 12C भी लॉन्च हो गया, उसका वीडियो हमने किया हुआ है, जरूर जाके देखिएगा। ये बजट सीरीज का 8999 प्राइस आई हुई है 4GB RAM 64GB वेरिएंट के लिए। वैसे 5000mAh की बैटरी, 10W चार्जिंग है, इसमें G85 प्रोसेसर। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग फोन्स आ रहे हैं दोस्तों, स्पेशली टेक्नो की तरफ से। जी हां, टेक्नो ने उनका फैंटम वी फोल्ड का प्रोडक्शन चालू कर दिया है इंडिया के लिए, 11 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। मैं जब MWC गया था तो देखा हुआ था, वेरी वेरी इंप्रेसिव 7.65 इंच की 2K 10 bit 120Hz LTPO AMOLED स्क्रीन है इसके अंदर, एंड जो अंदर कवर डिस्प्ले है वो 6.42 इंच का FHD प्लस 10 bit 120Hz AMOLED डिस्प्ले। तो दोनों भी जो डिस्प्ले हैं बड़े हैं, अच्छे हैं, डायमेंसिटी 9000 प्लस इस प्रोसेसर पे आता है, और इसकी प्राइस कही जा रही है अराउंड 80,000 के नीचे, 77,777 होने वाली है। Wow. Nokia लॉन्च करने वाला है उनका सी सीरीज का C12 प्लस दोस्तों। जी हाँ, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्टिंग हो गई है और प्राइसिंग भी आ गई है। ये 6.3 इंच HD प्लस डिस्प्ले के साथ आने वाला है एंड यूनिसॉक प्रोसेसर है, 2GB RAM 32GB स्टोरेज एंड 7999 का है। Nokia
ये क्यों करते हो भाई नोकिया, ये क्या किया, ऐसी प्राइस क्यों लेके आया? चलिए लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। रियलमी 11 प्रो एंड प्रो प्लस 5G ये टेना के ऊपर स्पॉट हो गए हैं, डिजाइन वगैरह दिखने लग गया है दोस्तों। कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है एंड पीछे का कैमरा मॉड्यूल जो है बड़ा होने वाला है, ह्यूज सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल होने वाला है। और अगर मैं रियलमी 11 प्रो सीरीज के बारे में बात करूं तो सेकंड हाफ ऑफ 2023 में लॉन्च होने वाला है, मतलब मई जून के बाद। लावा ब्लेज 2K डिटेल्स, स्पेक्स, प्राइसिंग, रेंडर सब आ गए हैं दोस्तों। ये बेसिकली यूनिसॉक T616 प्रोसेसर पे होने वाला है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज होने वाला है, 18W चार्जिंग, 5000mAh की बैटरी एंड ऑब्वियसली अंडर 10,000 होने वाला है इसकी प्राइस। वैसे अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखेगा, उसमें एक फोन है Vivo T2, ये जो है ये अप्रैल में लॉन्च होने वाला है और उसके कुछ कुछ चीजें लीक हो गई हैं। Vivo T2 जो है दोस्तों एक तो बजट सीरीज का होने वाला है, अफोर्डेबल रेंज में होने वाला है, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले होगा एंड 1300 निट्स ब्राइटनेस होने वाला है इसके अंदर, 8GB तक रैम होने वाली है, 128GB स्टोरेज, और उसके साथ में Vivo T2X भी लॉन्च होने वाला है जो कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अफोर्डेबल 5G फोन। Let's wait and watch. OnePlus Nord Buds 2K specs जो है लॉन्च के पहले बाहर आ गए हैं, जैसे सभी डिवाइसेस के साथ होता है दोस्तों। इसमें बेसिकली 36 आवर्स विथ केस बैकअप होने वाला है एंड 12.4mm के डायनामिक टाइटेनियम ड्राइवर्स होने वाले हैं, 4 माइक्स होने वाले हैं, IP55 सर्टिफिकेशन एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होने वाला है। यस ANC है, अप टू 25 dB ANC होने वाला है। ChatGPT के ऊपर लीगल इश्यूज चालू हो गए हैं, वो तो इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ टाइम दोस्तों ये होने वाला। अब इटली ने ChatGPT को बैन कर दिया है प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से, और उतना ही नहीं 20 मिलियन यूरोस फाइन कर दिया है। बेसिकली क्या है दोस्तों, उनका कहना है कि ChatGPT को कोई प्रॉपर लीगल बेसिस नहीं है टू कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, लेकिन वो पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर से आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, यूजर क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड दैट इज नॉट राइट। जी हाँ, प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड दो डील दिए हुए हैं आज के, जरूर जाके देखिएगा। व्यू प्रोडक्ट्स में IQ के दो फोन्स हैं दोस्तों, जबरदस्त प्राइस पे मिल रहे हैं, गो एंड चेक इट आउट। वक्त होता है रैपिड फायर का, जी हाँ, सुपर फास्ट, सुपर डुपर फास्ट रेडमी नोट 12 5G जो 8GB 256 वेरियंट है वो इंडिया में लॉन्च हो गया है 21999 में। Asus ने दोस्तों सिलेक्ट स्टोर्स लॉन्च किए रिफर्बिश्ड, मतलब जो पुराने पीसेज होते हैं उन्हें रिफर्बिश करके बेचने के लिए, नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली में ही आया हुआ है, सो यू कैन गेट अफोर्डेबल पीसी। OnePlus Nord 3 आ रहा है क्योंकि BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर आ गए। एक चीज कंफर्मड है, 80W चार्जिंग होने वाला है, लॉन्च प्रॉब्ली बिफोर अप्रैल। वैसे OnePlus Pad जो है उनके प्री ऑर्डर्स दोस्तों April 28 से चालू होने वाले हैं, OnePlus Pad उनका टैबलेट। चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 1457 होती है खत्म इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं होगा शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।